स्वागत आपका डीडी किसान देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी आज डीडी किसान की टीम उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर गांव मनफोड़ा पहुंची है आज चौपाल चर्चा के लिए बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की और इसकी बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ग्यारहवीं किस्त जारी भी कर दी गई है 31 मई को उसको लेकर चर्चा करेंगे कि किसान कितना लाभान्वित हो रहे हैं और इस पर किसानों की क्या राय है क्या किसानों को जो सम्मान निधि दी जा रही है उससे किसान फायदा ले रहे हैं या नहीं तो आप भी हमारे साथ चलिए चौपाल चर्चा चौपाल चर्चा के लिए हम पहुंच चुके हैं मनफोड़ा और चौपाल भी हमारी तैयार हो चुकी है आज की चर्चा के लिए तो इस चर्चा में हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक ऐसा सम्मान जो किसानों के हित में है एक ऐसा सम्मान जो किसानों के सीधे अकाउंट में पहुंचता है और इस सम्मान के जरिए किसान फायदा भी उठा रहे हैं अपनी छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं इस पर बात करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे सहयोगी भी रहेंगे किसान भाई भी मौजूद हैं और आप देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं तो चर्चा शुरू करते हैं बहुत स्वागत आपका अरुण कुमार शर्मा कृषि जनपद मुजफ्फरनगर ऐसी जी आज चर्चा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की हो रही है तो आपसे यही जानना चाहेंगे की ये योजना है क्या इससे हमारे किसान भाई लाभान्वित कैसे हो सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा संचालित की गई किसानों को हित के लिए आर्थिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से तो इसमें किसानों को हमारे तीन किस्तों में दो दो हजार रुपए की किस्त तीन लिए की जाती है सीजन भी हमारे तीन ही है खरीफ रबी और जायद तो जिससे किसान हमारे जो कृषि निवेश है खाद या बीज की व्यवस्था उस धनराशि से कर सकता है और अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है उत्पादन में इनपुट की व्यवस्था से जी चलिए बहुत धन्यवाद आपका जी खड़े हो क्या नाम है आपका नाम मेरा नाम सहन सर पाल हाँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं क्या आपको ये राशि मिल मिल रही है? मिल रही है हाँ है है हर तीसरे महीने आ जाती सीधे आपके अकाउंट में सीधे अकाउंट में आती है कहीं बीच में कटती तो नहीं है बीच में कहीं नहीं कटती है हाँ। तो मतलब फायदा हो रहा है फायदा हो रहा है कुछ किसानों को पटवारी की वजह से दिक्कत आगे में अपना फार्म दोबारा भर देंगे तो वो आने जिसको नहीं आई ग्यारहवीं किस्त जारी हुई सीधे आपके अकाउंट में भी पहुंच गई उस राशि से क्या क्या? राश से क्या करना थोड़ा बीज ले लो खाद ले लो इतनी लोबी चौड़ी राशि आए नही दो हजार हाँ जिससे बीज और खाद तो मिल जाता है हाँ बीज खाद तो मिली जा चलिए बहुत धन्यवाद बैठी आप तो किसान भाई को आपने सुना राशि प्राप्त हो चुकी है और सीधे अकाउंट में आती है ना कोई झंझट ना कोई परेशानी जी क्या नाम है आपका रामबल सिंह मैं मन से हूँ किसान हूँ खेती बाड़ी करते पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा हो रहा है या नहीं हमें नहीं हुआ जी हमें मिली मिली नहीं नहीं क्यों नहीं मिली? आपने अप्लाई किया तो कोई लिमिट थी इतने जमीन तक मिलेगी दोबारा उससे भी अधिक हो जाएगी हमने फिर अप्लाई करा हमें तो आज लोग उसका पता रास्ता कुछ है नहीं जी मिली हमें तो मिली नहीं आपने ये जानकारी कहीं से लेने की कोशिश नहीं की नहीं कागज ये थे पटवाजी को हमें आज लोग कोई रास्ता नहीं लगा कितने बीघा जमीन है आपके मेरे लेकिन फिर भी नहीं मिली पहले योजना लेखपाल और कृषि विभाग के माध्यम से संचालित की जा रही थी तो हमने एक फार्म भारत सरकार से आया था की क्या कौन कौन से आदमी इसके लिए पात्र हैं कौन व्यक्ति पात्र होगा उसके लिए इनकम टैक्स पे ही ना हो संवैधानिक पद पर ना हो डॉक्टर इंजीनियर ना हो और पेंशन जिसकी दस हजार रूपए अधिक हो वो उसका पात्र नहीं है तो इस तरह से लाभार्थी का जो कैटेगरी थी उसको यदि वो फुलफिल नहीं कर रहा था तो उसका पात्र नहीं था तो इसके लिए फार्म भी था किसान को जोत वही अपने खतौनी की नकल आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो कॉपी तो इसके अलावा मोबाइल नंबर तो ये हम लोगों ने स्पेशल रूप से अब कार्यक्रम भी विशेष रूप से संचालित किया जा रहा है कि 30 जून तक हम लोगों ने इसका सर्वे कर रहे हैं सर्वेक्षण कर रहे हैं हर गांव में दो सौ चार हमारे जनपद में गांव है हर गांव में चार दिन का कार्यक्रम लगाया हुआ है डीएम साहब के स्तर से लेखपाल को पंचायत सेक्रेटरी को और कृषि विभाग के कर्मचारी को जुरा कर्मचारी है चार दिन तक वो जो किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थी हैं या जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है सबसे पहले वो, वो नोटिस लगा के वो सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करेगा ये। कि ये हमारे लाभार्थी हैं। लेकिन मनफुड़ा गांव का निरीक्षण किया आपने नहीं अभी नहीं हुआ और डेट लगी हुई है ठीक है तीस जून तक ये कार्य होना है चलिए बैठिए तो आपका समाधान हो जाएगा तीस जून तक डेट है आप भी ध्यान रखिएगा तो चौपाल से ये फायदा हो सकता है सीधा कि आप भी जागरूक हो जाइए अगर आपको सम्मान निधि योजना से फायदा नहीं मिल रहा है तो आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा और भी हमारे साथ किसान भाई है युवा भी है जी आप खड़े हो क्या नाम है आपका मेरा नाम इंद्रपाल है इंद्रपाल जी खेती बाड़ी करते की नहीं करते हाँ जी कैसी है खेती मेरे पास पौने छह बी की जमीन है जी अच्छी उपज हो रही है ठीक उपज है जी जी क्या कहेंगे सरकार जो हाँ सरकार आपके जो लिए कुछ कर रही है की नहीं कर रही है का, कार्य ठीक करी सरकार जी हाँ, हाँ जी पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा आज ग्यारह ग्यारह आ गई जी किस किसमी आ गई गईवी सी सीधे आपके अकाउंट में हाँ जी भी, सीधे आएगी कोई बीच में कोई बिचवालिया कोई काम नहीं तो कोई ऐसा सवाल जो सरकार से आपको शिकायत करनी हो आज तो सरकार की किसान टीम आपके बीच में है जो सवाल सीधा सरकार तक पहुँचाएगी थोड़ा सा यही है और कुछ नहीं कहना जी बहुत धन्यवाद बजा दीजिए पीएम सम्मान निधि योजना से कोई शिकायत नहीं है ग्यारहवीं किस्त भी इनके अकाउंट में यानी इनके जेब में आ गई है और खाद बीज भी इन्होंने खरीद लिया है लेकिन यहाँ पे और भी युवा लोग है उनके पास भी पहुँचेंगे सर आप क्या नाम है आपका क्या करते अच्छा खेती करते हैं तो सबसे पहली बात हो जाती है कि सरकार इसके लिए सहयोग कितना कर रही है पीएम सम्मान निधि योजना की बात कर रहे हैं आज, आज आपके गांव पहुंचे हैं इससे आपको फायदा हो रहा है या नहीं आगे हो रहा। ग्यारक। ग्यारक ग्यारक अच्छा, किस भी आ गई और इस किस्त से या यू कहे जब ये ग्यारहवीं किस्त आपके जेब में आ जाती है ये दो की जो राशि होती है ये आप घर में सौंपते हैं किस काम में लेते हैं खेती बाड़ी में खेती बाड़ी में दो दो हजार की अगर हम तीन किस्तों की बात करें इससे बीज और खाद दोनों आ जाता है जाते हैं ठीक है बहुत धन्यवाद आपका सर क्या नाम है आपका खेती करो पीएम सम्मान निधि योजना का फायदा अच्छा आपको मिल रहा है? मिल रहा रहा है सारी सारी किस्तें आपके अकाउंट में पहुंच गई है अच्छा दो हजार चौदह ऐसी जब भारत सरकार की अगर मौजूदा सरकार की हम बात कर रहे हैं इसके आने के बाद में कितना फायदा आपको हो रहा है हो दो हजार में बचेरे हो तीन महीने में आ जाओ अच्छा मतलब भतेरा का मतलब बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा तो नहीं पर चलो काम चल जा जी पहले मुकाबले जहाँ कुछ नहीं था वहाँ कुछ तो मिल रहा है हाँ, ठीक हाँ, है बहुत धन्यवाद आपका तो चलिए सहयोगी के पास फिर चलते हैं जहाँ कुछ भी नहीं मिलता था वहाँ कुछ तो मिल रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाए लेकिन इस बीच वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं अरे वाह अकेले अकेले अरे तू भी ले पर खाएगा कैसे मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा है बेटे अकेले अकेले खेती कब तक करेगा मतलब गांव में बीस पच्चीस किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा कर ले फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी फिर पी ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक अच्छा आ, अरे भाई कहाँ चल दिया सबको साथ लाने आमदनी बढ़ाने तो किसान भाई समझ गए ना साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए ज्यादा मुनाफा कमाइए माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती तो एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है चर्चा शुरू करते हैं और किसान भाइयों से जानते हैं कि पीएम सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को कितना फायदा हो रहा है यहाँ पे कुछ युवा लोग भी हैं उनसे भी जान लेते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं जी सिंटू जी नाम क्या आपका सिंटू क्या करते हैं आप खेती बाड़ी खेती करते हैं जी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा आपको मिल रहा है ग्यारहवीं के खाते में आ गई ये कब जारी हुई ग्यारहवीं किस्त अभी जी इकतीस मई हाँ जी अभी जारी हुई क्या करते हैं इस अमाउंट से ये बीज खाद और क्या है है बस आपको लगता है कि इतनी राशि बहुत है नहीं वैसे फिलहाल तो देखा जाए महंगाई का हिसाब कमी है महंगाई को देखते हो तो कमी है क्या आ रहा दो हजार में ठीक है ठीक है चलिए यहाँ पे और भी किसान है जी सर क्या नाम है आपका विपिन कुमार विपिन जी क्या करते हैं आप मैं खेती करूँ जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल रहा है नहीं है नहीं क्यों, क्यों उससे पहले तो आपने ध्यान तो नहीं, नहीं दिया पिताजी की डेथ हो गई उन्हें लग रही थी अब हमें नहीं मिल रही अच्छा पिताजी को मिल रही थी आपने अप्लाई किया है और अभी आपने देखा की अरविंद जी बता रहे थे की इसी जून के महीने में अप्लाई करने के लिए आपके निरीक्षण के लिए यहाँ पर टीम पहुंचेगी है लेकिन मैडम यह हुआ था एक दो हजार उन्नीस के बाद में किसी मृतक के जो बारिश है उनका खतौने में इंदिराज किया जाएगा पात्र सभी बच्चे जो है जो बालिक होंगे जिनका नाम जमीन आएगी उसके पात्र होंगे तो हो सकता है आपने जनसेवा केंद्र के माध्यम से ये उनको रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराना था तो उसमें पंजीकरण जो है आधार भी अंकित कराना है उसमें आधार नंबर बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर और ज़मीन का डिटेल है कितनी उनके पास जमीन है ये इन्होंने एं, एंट्री कराई होगी ये हमारा डाटा जो है ओपन सोर्स से जो डाटा है ये हमारे जो है कृषि विभाग की साइट पर आएगा और साइट से इसको फिर सत्यापित करने के लिए हम जो है इसको फील्ड में भेजते हैं हमारे जो कृषि विभाग के साथी हैं वो और लेखपाल दोनों संयुक्त रूप से इसके जो है सत्यापन करेंगे और अब प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया उसके बारे में अभी आदेश आया था कि जो भी हमारे इस तरह के ओपन सोर्स डाटा है हमारे जिनको इसके लिए जनसेवा केंद्र के माध्यम से इन्होंने अपना पंजीकरण कराया है तो इसमें तहसीलदार की एक आईडी जनरेट की गई है कि वो टोटल डाटा सीधे उनको प्राप्त होगा और पात्र पात्रता की जांच वो करके हमारी साइट पे अपलोड कर देंगे लेकिन कुछ किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि जिस मृतक के परिवार में चार बेटे हैं तो किसके हिस्से में या कितनी राशि आएगी क्या इसका किस तरह से वो आ, किसान है जितने जमीन की उसमें कोई लिमिट नहीं है दो बीघे वाला भी किसान हो सकता है दस बीघे वाला भी किसान हो सकता है जमीन की उसमें कोई लिमिट नहीं है अगर चार बच्चे है बालिक है और चारों का नाम जमीन है चारों का अलग परिवार है तो वो उसके पात्र है दो एक दो हजार उन्नीस की बात की ठीक है बहुत धन्यवाद तो सुना आपने चर्चा में और किसान भाइयों से जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से कितना लाभ जो है किसानों को मिल रहा है और अगर नहीं मिल रहा है तो इस चौपाल के जरिए इस चर्चा के जरिए उसका समाधान भी आपका किया जाए सर नाम क्या आपका मेरा नाम विनोद कुमार क्या करते हैं आप खेती करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है वो सीधे आपके अकाउंट में पहुँचती है ग्यारहवीं किस्त भी आ चुकी है आपको मिली या नहीं नहीं मेरे अकाउंट में अब तक दस किस्त पहुँच गई ग्यारहवीं किस्त का इकतीस तारीख को ही मेरे अकाउंट में मैसेज आ गया था दो हजार रूपए का लेकिन वो मेरा अकाउंट नहीं है जबकि वो किसी और का अकाउंट नंबर है हाँ वो मेरे अकाउंट में नहीं गया लेकिन मेरे पास मैसेज आया है दो हजार रूपए का वो तो मेरे अकाउंट में नहीं गया पैसा मैसेज मेरे पास आया है इकतीस तारीख को ही आ गया था दो हजार रूपये किस्त का आपके सवाल का जवाब जो है हम जान लेते हैं कृषि विज्ञान से हमारे साथ सहयोगी भी हैं सर दस जब किस्तें जारी हो जाती हैं एक ही अकाउंट में ग्यारहवीं किस्त आते आते मिस्टेक हो जाती है तो इसका समाधान कैसे होगा इसका समाधान ये था कि ईकेवाईसी के किसान को करानी थी इकतीस मई तक का उसमें समय दिया गया था पहले कि वो जनसेवा केंद्र पर जाके अपना आधार को जो है बैंक खाते से लिंक करा दे तो ईकेवाईसी होनी थी तो ईकेवाईसी होने के बाद वो आधार बेस्ड पेमेंट है तो जिस खाते में जो आधार लगा हुआ है उसी से उसका पेमेंट हो जाएगा अब कहीं कहीं दिक्कत इस तरह की हमारे संज्ञान में भी आई है कि किसान के दो दो तीन दिन खाते हैं तो पहले किस्त दूसरे खाते में आ रही थी और दोबारा किस्त दिया दूसरे खाते में आ गई तो ये चेक कर लें अपने अकाउंट कि हो सकता है दूसरा अकाउंट इनका हो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो या गन्ने समिति का हो जिससे इनका गन्ने का भुगतान आ रहा हो तो उससे चेक करा लें एक बार कि कौन से खाते में वो किस्त गई है और नहीं तो हमारे कृषि विभाग के जो साथी हैं फील्ड में आ रहे हैं वो भी चेक करके बता देंगे हमारे तहसील लेवल पे भी ब्लॉक लेवल पे भी कर्मचारी बैठे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने व्यवस्था की हुई है हम किसान सम्मान निधि के जो इस तरह की दिक्कतें हैं परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए सवाल यह है किसानों का कि किस तरह से वो जानकारी ले कहा जाकर ले क्या आपकी टीम किसानों के बीच आती है किसानों के बीच हमें हमारी टीम जा रही है हर गाँव में हर गाँव के लिए हमने कार्यक्रम बनाया है चार दिन का चार सौ अट्ठानवे गाँव उसमें कार्यक्रम बनाया हुआ है लेकिन अगर किसान को वहाँ दिक्कत है कि भाई उस गांव से टीम जा चुकी है तो हमारे ब्लॉक पर चले जाएं कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हुए हैं वहाँ पे वो व्यवस्था दिक्कत दूर कर देंगे जो हमारे प्रावधिक सहायक साथी हैं जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनका नंबर भी आपके पास होगा किसानों के उन संपर्क में रहते हैं लगातार उनसे भी बात कर सकते हैं अपना मोबाइल नंबर उन मोबाइल से बात करके उनको अपना आधार नंबर दे दें वो चेक करके कर कर बता देंगे नहीं तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर व्यवस्था है कि हमारा दस बजे से पाँच बजे तक हमारा आदमी बैठता है कंप्यूटर पर और आधार लेकर जाए उसकी पोजिशन पूरी बता देता है कितनी किस्त आई है कौन से खाते में आई दिक्कत जी बहुत धन्यवाद कृषि विभाग की टीम लगातार किसानों के बीच पहुंच रही है किसानों को जानकारी दे रही है जागरूक कर रही है और किसान भाइयों से जानते हैं जो किसान भाई हैं, जिनको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से फायदा नहीं मिल रहा है राशि उनके खाते में नहीं आ रही है उसका समाधान चौपाल चर्चा के जरिए किया जाएगा जी क्या नाम है आपका मेरा नाम अमित कुमार गाँव खेती बाड़ी, करते हैं? हाँ जी, खेती बाड़ी करते हैं बात पीएम सम्मान निधि योजना की कर रहे हैं तो इस योजना से हमारे तमाम किसान जो है वो लाभान्वित हो रहे हैं उनको फायदा मिल रहा है आपको मिल रहा है या नहीं तो हाँ जी मुझे मिल गया और मेरी किस्त जो है ग्यारहवीं खत में भी एडजस्ट है देखो इससे ऐसा तो ये बड़ी रकम तो है नहीं पर यो है एक सरकार इससे किसानों के लिए सम्मान का काम कर रही है ठीक है थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाती है उससे भाई कुछ भी काम कर रहे है थोड़ा हेल्प मिल जाती है इस महीने पर यो है सम्मान कर रही है सरकार उससे किसान और आप क्या चाहते हैं बढ़े सर थोड़ा सा निधि बढ़ जा भाई ज्यादा भी नहीं जो सबकी आय डबल कर जाए सरकार तो हमारी भी हो दो ऐसी चार हजार हो जाए चलिए बहुत धन्यवाद तो किसान भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट थी कि सम्मान दिया जा रहा है बैठ जाइए आप लेकिन ये सम्मान अगर दोगुना हो जाए तो थोड़ा और अच्छा हो सकता है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है बार बार डिमांड भी यही की जा रही है जी क्या नाम है आपका खेती बाड़ी करते हैं आप आपके खाते में ग्यारहवीं किस तारीख नहीं आई मिल गया आपको अच्छा ये किस्त जब जारी हो जाती है तो खुशी होती की नहीं होती है होती है या सरकार से कोई और भी आपकी इच्छा है जो आप कह सकते हैं नहीं 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 हमारी कोई इच्छा बस बहुत है, है। चलिए ये पहले किसान भाई है जो कह रहे हैं कि 2000 से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा खर्चा इतना ही है तो इन्होंने सच भी बोल दिया है लेकिन कुछ किसान भाई है जो महंगाई की मार खा रहे हैं तो <laughs> उनका कहना है बढ़ना चाहिए जी क्या नाम है आपका सुभाष खेती करते हैं आप खेती में क्या करते हैं आप? गन्ने की तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा ग्यारह ग्यारह किस्त अच्छा आ गई है कभी तो कोई ऐसी किस्त जो रुक गई हो या किसी और के अकाउंट में चली गई हो ऐसा कुछ नहीं कर... मारे खाते मारे। खाते में। और ये जो राशि मिलती है धर्म पत्नी को देते या आप ही खर्च कर देते हैं धर्म पत्नी का नंबर कहा जा अच्छा उससे पहुँचती नहीं है उसके बीज लिया कुछ और क्या चलिए बहुत धन्यवाद तो बीज और खाद तक बातें जब आती हैं तो किसान भाइयों का कहना है कि जब दो दो हजार की किस्त जारी होती है तो छह किस्तों के जरिए हम थोड़ा सा हमारा जो समस्या है उसको हम कम कर सकते हैं लेकिन एक सवाल मैं फिर से कृषि विभाग जो हमारे सहयोगी आए हुए हैं उनसे जानना चाहूंगी सर कुछ किसानों का कहना है कि दो हजार की जो राशि है वो छह किस्तों के जरिए अगर हम कहें बात लगातार हमारे खाते में आ जाती है दो दो हजार की तीन किस्तें लेकिन ग्यारहवीं किस्त आने के बाद भी इच्छा है कि ये दो गुना हो जाए क्योंकि महंगाई जो बढ़ रही है पाँच सौ आठ किसान है, जिसमें हमारे 89 है जिनके एक हेक्टर से भी कम जमीन है तो छोटे किसान के लिए तो ये ज्यादा फायदेमंद है कि हो सकता है उसके बाद तीन बीघे जमीन हो दो बीघे जमीन हो पॉइंट टू हेक्टेयर तो उसके लिए दो हजार रुपए तो ठीक है लेकिन बड़े किसान तो आवश्यकता उतनी ज्यादा नहीं है कि जिसके पास संसाधन ज्यादा हों तो उसके पास तो मेरे ख्याल से उसकी आवश्यकता नहीं है तो मैं तो यही अगर व्यक्तिगत रूप से कहें तो बड़े किसान के एक लिमिट कर देनी चाहिए कि इससे बड़े किसान को ये लाभ ना दिया जाए और छोटे किसान को उसकी धनराशि बढ़ा दी जाए जी व्यक्तिगत राय तो मेरी ये है तो ये दो गुना मांग की जा रही है बड़े किसान कर रहे हैं नहीं मैं बड़े किसान नहीं मैं कह रहा हूँ कि छोटे किसान को उसके आर्थिक लाभ ज्यादा मिल जाएगा यदि बड़े किसान की हमारी बंद कर दी जाए बड़े किसान ज्यादा है बिन संसाधन उनके पास है जैसे एक किसान ने कहा दो हजार तो ठीक है अच्छी किस्त है मेरा काम चल जा रहा है उससे तो ऐसे बहुत से किसान होंगे जिनके पास जो है पांच हेक्टर जमीन है चार हेक्टर जमीन है साठ सत्तर बीघे जमीन है संसाधन है उनको मान लिया कोई लाभ मिल रहा है तो स्वेच्छा से छोड़ देनी चाहिए तो और छोटे किसान को उसका लाभ मिल जाए अधिक से अधिक बहुत धन्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अगर छोटे किसानों को और फायदा पहुंचाना है तो बड़े किसान इस राशि को ना ले या फिर ऐसा हो सकता है कि ये किसान जो है सीधा छोटे किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं और 2000 की राशि उन किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके पास जमीन बहुत कम है एक दो किसान भाई और भी यहाँ पर मौजूद है लगातार सभी से सवाल ले रहे हैं सर नाम क्या आपका सत्यन्दर सिंह खेती करते हैं आप हाँ जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना आपके जेब में पहुंचे की नहीं पहुँचे इसका फायदा पहुँचा की नहीं पहुंचा हाँ, पहुँच पहुंच गया कितनी बीघा जमीन है आपके पास मेरे पास तो साढ़े बीघा जमीन साढ़े सात बीघा अच्छा साढ़े सात है साढ़े छे सात में ज्यादा फर्क नहीं है ठीक है तो दो हजार का जो अमाउंट मिलता है इससे बीज और खाद मिल जाता है हाँ बस अपना कहीं ना खर्चा चल जाता है अच्छा चलाई लेते हैं वो तो दो हजार रूपए का चलिए बहुत धन्यवाद आपका दो हजार की राशि मिल रही है इससे लाभान्वित भी किसान हो रहे हैं तो इस चौपाल चर्चा में पूर्व प्रधान भी मौजूद है जी प्रधान जी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा सब ले रहे हैं आप भी ले रहे होंगे आप भी ले रहे थे बंद कर दिए हमने आपको मिलता था हाँ। कब बंद किया आपने ग्यारह की ग्यारह कर बंद करवा करवाए बंद क्यूँ करवाए चल रहा काम और किसी की काम आ जाएगी जी बैठिए बहुत धन्यवाद आपका एक बार तालियां हो जानी चाहिए प्रधान जी के लिए तो ऐसे किसान भी है हमारे साथ ऐसे लोग भी है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को छोड़ देते हैं ताकि छोटे किसानों को फायदा हो जी सर अब आखिरी सवाल है आपसे क्या कहेंगे हमारे किसान भाई जितने भी मौजूद हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं कुछ लोग नहीं हो रहे हैं तो बहुत सारे सवाल भी है मैडम इसके लिए संदेश मैं कृषि विभाग की ओर से या सरकार की तरफ से देना चाहूंगा की हमारे जनपद में आ, सत्तावन किसानों ने ईके कराई है तैतालीस परसेंट आज की तारीख में बची हुई है आज के जो अपडेट है तैतालीस परसेंट हमारी बची हुई है तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि अपनी ई के वाई सी अनिवार्य रूप मेरा यही था कि किसान भाई हमारे ई के वाई करा दें अतिशीघ्र जन सेवा केंद्र पर जाए अपना आधार कार्ड लेकर जाए और वहाँ ऐसी करा दें चलिए बहुत धन्यवाद तो बहुत जल्द जाए ई के करवाएं ताकि आपको भी इसका फायदा मिले तो आज की चर्चा उत्तर प्रदेश के मनफोड़ा गांव से एक ऐसा गांव जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभ ले रहा है और इतना ही नहीं खुश भी है कि 2000 की जो सम्मान हमें दिया जा रहा है उससे खाद बीज खरीद कर हम पीएम मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं ये सम्मान हमारे हित में है तो आज की चर्चा किसानों से सीधे आपके स्क्रीन पर ये दिखाते हुए कि हम आज उत्तर प्रदेश पहुंचे और ग्यारहवीं किस्त सभी के खाते में आई या नहीं इस पर हम अब वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का फिर किसी एक गांव से होंगे किसी एक योजना पर बात करेंगे तब तक के लिए नमस्कार